जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है बाहुफौजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आप लोग कैसे हो? लगातार आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर बीएसएफ ट्रेड्समैन का फिजिकल तो शुरू हो चुका है, लेकिन एसएसबी ट्रेड्समैन का फिजिकल कब तक शुरू होगा? क्योंकि इनमें ड्राइवर का फिजिकल है वो सक्सेसफुली कंडक्ट करवा लिया गया है, लेकिन बाकी की जो ट्रेडें बची आपके वोटर कैरियर, स्वीपर, कुक, वेटनरी, इन सब का फिजिकल कब से शुरू होगा? काफी ज्यादा अभ्यर्थियों के तो कमेंट्स आ रहे हैं कि सर क्या ये भर्ती रद्द हो जाएगी, क्या सीआईएसएफ की जो हेड कॉन्स्टेबल की भर्ती लंबे समय के बाद में फिर से उनके फिजिकल करवाए गए थे, फिजिकल को पोस्टपोन कर दिया गया था, क्या इस रिक्रूटमेंट को पोस्टपोन कर दिया गया, आखिर क्यों इस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को रोका गया, आखिर कब तक आप लोगों का फिजिकल शुरू होने वाला है, इसको लेकर पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं। काफी ज्यादा अभ्यर्थियों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप एक वीडियो लेके आएगा एसएसबी ट्रेड्समैन से रिलेटेड, तो दोस्तों इस वीडियो में उसी के बारे में पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल से बताने वाला हूं। आप लोगों के लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। एसएसबी ट्रेड्समैन भर्ती से जुड़ी पल पल की अपडेट अगर आप सबसे पहले पाना चाहते हैं और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर एसएसबी ट्रेड्समैन और ड्राइवर का रिक्रूटमेंट आपका एक साथ आया तो काफी अच्छी वैकेंसी थी। जी हाँ दोस्तों, काफी अच्छी वैकेंसी थी जिनमें टोटल आपकी जो वैकेंसी थी वो यहाँ पर थी 1522, जिनमें से दोस्तों सबसे पहले आपकी वैकेंसी की बात करें तो कॉन्स्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी थी, और इनकी यहाँ पर बात करें तो इनका जो फिजिकल वगैरह है वो यहाँ पर करवा लिया गया, मतलब कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन का जो फिजिकल है वो सक्सेसफुली कंडक्ट करवा लिया गया। अब बाकी की जितनी भी आप लोगों की ट्रेडें बची है जिनमें दोस्तों कॉन्स्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट, कॉन्स्टेबल वेटनरी, कॉन्स्टेबल आया, कारपेंटर, प्लम्बर, इन सभी की ट्रेडों का फिजिकल होना अभी बाकी है। बात करें तो दोस्तों क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस को रोक दिया गया है, क्या रिक्रूटमेंट पोस्टपोन्ड हो गया है, आप सभी के डाउट्स थे, लगातार कमेंट्स आ रहे थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो, आपका रिक्रूटमेंट होगा और जल्दी आप लोगों के फिजिकल भी शुरू होने वाले। जी हाँ दोस्तों, आप फिजिकल की तैयारी में अभी तक नहीं जुटे हैं तो फिजिकल की तैयारी आप जरूर कर लीजिएगा। मैं आप दो को बता देता हूं आप लोगों को कि इससे पहले दोस्तों इसी रिक्रूटमेंट के तहत ड्राइवर का फिजिकल हुआ था, और दोस्तों ड्राइवर का फिजिकल हुआ था तो उसके एडमिट कार्ड का किसी भी प्रकार का नोटिस एसएसबी ने पहले जारी नहीं किया था। फिजिकल से मात्र 10 दिन पहले डायरेक्टली वेबसाइट पर एडमिट कार्ड आए थे, और दोस्तों बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे 50% कैंडिडेट तो फिजिकल देने के लिए भी नहीं पहुंचे थे क्योंकि उनकी तैयारी नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, और जो पहुंचे उनमें भी बहुत सारे कैंडिडेट है वो फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। उसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं जो आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन का जो फिजिकल चल रहा है उसका भी दोस्तों एडमिट कार्ड मात्र 10 दिन पहले ही जारी हुआ था, 10 से 12 दिन पहले ही एडमिट कार्ड जारी हुआ था, उससे पहले किसी भी प्रकार का नोटिस बीएसएफ ने जारी नहीं किया था। तो आपको दोस्तों ऐसा नहीं सोचना है कि फिजिकल कब होगा, कभी भी आपका फिजिकल शुरू हो सकता है। और अगर बात करें कि अप्रोक्सीमेटली कौन से महीने में फिजिकल शुरू हो सकता है एसएसबी ट्रेड्समैन का, जी हां दोस्तों एसएसबी ट्रेड्समैन का, दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो अगर आपने अभी तक नहीं बनवाई है तो तैयार कर लीजिएगा। बीएसएफ ट्रेड्समैन में डॉक्यूमेंटेशन की वजह से काफी ज्यादा कैंडिडेट बाहर हो रहे, जी हाँ दोस्तों काफी ज्यादा कैंडिडेट बाहर हो रहे, और मैं चाहता हूं कि आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। तो डॉक्यूमेंटेशन को बात करें तो 10th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास में, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसे मूल निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट वाला आपके पास में होना चाहिए, अगर नहीं है तो बनवा लेना दोस्तों, क्योंकि उसके बिना आप फाइनली सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, रनिंग पास करते हुए आपको डॉक्यूमेंटेशन में बाहर कर दिया जाएगा। उसके साथ ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, 2 साल का आप लोगों के पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसी भी ट्रेड से आपने अप्लाई किया, कुछ ट्रेडों में अगर बात करें तो बाद में इन्हें हटा दिया गया था एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को, लेकिन दोस्तों कुक वगैरह, वॉशरमैन है आपका, बार्बर है, स्वीपर है, वोटर कैरियर, इन सभी में आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी आप फाइनली सिलेक्शन ले पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कब तक आप लोगों का फिजिकल शुरू होने के चांसेस है। अगर दोस्तों बात करें क्या अगस्त में फिजिकल आप लोगों के शुरू हो सकते हैं, तो जी हाँ दोस्तों हो सकते हैं, लेकिन अगस्त लास्ट से पहले शुरू नहीं होंगे। हो सकता है दोस्तों आप लोगों के फिजिकल है वो अगस्त लास्ट में शुरू हो जाए, और अगर आप अभी तक, जी हां दोस्तों अगर आपने अभी तक रनिंग की तैयारी नहीं की है तो आप रनिंग की तैयारी कीजिएगा क्योंकि काफी अच्छी वैकेंसी है, और दोस्तों आपने काफी ज्यादा इस रिक्रूटमेंट का इंतजार भी किया था। जी हां दोस्तों, अलग अलग पूरी वैकेंसी देख सकते हैं कौन सी ट्रेड की कितनी कितनी आप लोगों की वैकेंसी है, और दोस्तों यहां पर बात करें तो यहां पर आपकी 5 किलोमीटर की ही रेस रहने वाली है, 5 किलोमीटर की आपकी रेस होगी,
सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, पीटी और पीएचटी करवाया जाएगा। पीटी और पीएचटी में जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उनका एग्जाम होने वाला है। रनिंग की अगर यहां पर बात करें तो दोस्तों बीएसएफ ट्रेड्समैन का फिजिकल होता है वो थोड़ा अलग होता है, उसमें 5 किलोमीटर की रेस होती है। जबकि यहां पर आप देख रहे होंगे एसएसबी में जो मेल कैंडिडेट का फिजिकल है उसमें 4800 मीटर आपकी रेस होगी, जिसमें आप लोगों को 24 मिनट का समय दिया जाएगा। फीमेल को दोस्तों 2400 मीटर की रेस होगी जिसमें उन्हें 18 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर बात करें दोस्तों एसएसबी ड्राइवर में आपकी जो हाइट थी वो 170 थी, लेकिन बाकी की जितनी भी आपकी ट्रेड है, ट्रेड्समैन वाली जितनी भी वैकेंसी है, उनमें आप लोगों को हाइट में छूट मिल जाती है। ट्रेड्समैन ही एक ऐसा रिक्रूटमेंट होता है पैरामिलिट्री फोर्सेज में जिनमें आप लोगों को दोस्तों हाइट में छूट मिल जाती है। अगर आप कांस्टेबल जीडी में भर्ती नहीं हो पा रहे हाइट की वजह से तो यहां पर आप लोगों को मौका मिलेगा। मेल कैंडिडेट की जो मिनिमम हाइट है वो 167.5 सेंटीमीटर, टेस्ट आपका 78 से लेकर 83 सेंटीमीटर, फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर। और एसटी कैंडिडेट को हाइट में छूट तभी मिलेगी जब उनके पास में एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट होगा। हिल एरिया वाले कैंडिडेट है जो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं उनके पास में उन राज्यों का डोमिसाइल होगा तो ही उनको वहां पर छूट दी जाएगी। तो दोस्तों आपका जो फिजिकल है वो अगस्त लास्ट या फिर सितंबर फर्स्ट में शुरू हो सकता है। अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो आप तैयारी जरूर रेगुलर रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप दोस्तों इतने लंबे समय से आपने इंतजार किया है और जब आपको पता चले कि 10 दिन बाद में आप लोगों का फिजिकल है और दोस्तों आप फिजिकल के लिए जाते हैं लेकिन आपकी तैयारी नहीं होती है तो दोस्तों आप फिजिकल में बाहर हो जाते हैं तो काफी ज्यादा दुख होता है, क्योंकि इतना लंबा 2020 से आप लोगों ने इंतजार किया है इस रिक्रूटमेंट के फिजिकल को लेकर। और मैं आपको आशा दिलाता हूं कि जल्द ही इसके फिजिकल होंगे, क्योंकि ड्राइवर के फिजिकल हो चुके हैं और ड्राइवर के बाद में अब वेटनरी वाले कैंडिडेट है वो बिल्कुल ही तैयार रहिएगा, क्योंकि आप ही लोगों का यहाँ पर फिजिकल होने वाला है। और ज्यादा कैंडिडेट नहीं है दोस्तों वेटनरी में, तो वेटनरी के जो कैंडिडेट जिनका फिजिकल हो जाएगा तो उसके बाद में बाकी की जो ट्रेन है उनका भी बहुत ही जल्द फिजिकल शुरू होगा। तो बिल्कुल दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपकी वैकेंसी पोस्टपोन नहीं होगी, आपका फिजिकल होगा और दोस्तों अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट में होने के पूरे पूरे चांसेज है। और जल्द ही दोस्तों अगर अगस्त लास्ट में आप लोगों के फिजिकल शुरू होंगे तो आपको एडमिट कार्ड भी अगले महीने में ही देखने को मिल जाएंगे। तो फिजिकल की तैयारी में आप जरूर जुट जाइएगा, क्योंकि फिजिकल में किसी भी हाल में आपको नहीं रहना है, मेहनत करनी है। ट्रेड टेस्ट के बारे में बात करें तो फिजिकल के साथ ही आप लोगों का ट्रेड टेस्ट भी होगा और ट्रेड टेस्ट को लेकर दोस्तों हम आप लोगों के लिए स्पेशल कोर्स भी लेके आ रहे हैं जिसमें आपको बताएंगे कि ट्रेड टेस्ट में क्या क्या करवाया जाता है, क्या क्या चीजें पूछी जाती है, क्या क्या आप लोगों को वहां पर प्रैक्टिकली तौर पर बनवाया जाएगा। पूरी की पूरी आपको बेसिक से लेकर पूरी जानकारी आपको मिलती रहेगी। अगर आपने हमारा एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अभी जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि जैसे ही दोस्तों आपकी वैकेंसीज आए, जैसे ही आपकी आपका एडमिट कार्ड आए, फिजिकल शुरू हो तो आपको दोस्तों ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड वीडियो भी मिल जाए। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए और एसएसबी ट्रेड्समैन भर्ती से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों ये पूरी जानकारी आप डिटेल से देखना चाहते हैं तो साइट का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।